नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बछवाड़ा बेगूसराय थाना क्षेत्र के अरबा गांव की पीड़िता को एक एफआईआर के लिए आमरण अनशन पर बैठने की नौबत आ पड़ी है। आपको बता दें कि अरबा निवासी राम प्रवेश यादव की पत्नी दया रानी ने शनिवार को बीडीओ डॉक्टर बिमल कुमार को आवेदन देकर एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए 16 मई से प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन की सूचना दी है। वहीं पीड़िता ने बताया है कि बछवाड़ा विधायक रामदेव राय पूर्व में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। वहीं बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह भी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं और खुद को फायर ब्रांड नेता कहते हैं। लेकिन पीड़िता को न्याय और मौलिक अधिकार की एक एफआईआर के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वहीं पीड़िता ने बताया कि विगत 28 अप्रैल को अरबा पंचायत की मुखिया फूल कुमारी अपने गुर्गों के सहयोग से उनके पति को रस्सी से बांध कर बेरहमी से पिटवाई करवाई थी और मौके पर पहुंचे बछवाड़ा थाने के एएसआई अरुण कुमार सिन्हा उनकी रस्सी को खोलने के बजाय मुखिया के साथ बैठकर चाय पानी करते रहे, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने प्राथमिकी अब तक दर्ज नहीं की है और पुलिस के इस रवैये से क्षुब्ध होकर के प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने को लेकर के अब पीड़िता अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की बात कर रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं बेगूसराय से हमारे रिपोर्टर राकेश यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अब इसका मानसा समझिए कि दिना दिनी से एक जनप्रतिनिधि एक ग्राम प्रधान को मारने का प्लानिंग है तो हमारे देश के माननीय मोदी जी और हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आदेश दिए हैं कि मुखिया लोग को अपने पंचायत के अंदर कौन ये सामने बैठा हुआ है अपराधी बैठा हुआ है सर। एक मुखिया अपने पंचायत का कैसे पंचायत चला सकता है। पति को मुखिया के द्वारा बांध कर मारा गया और मैं जब केस करने जाती हूँ तो वहाँ केस दर्ज नहीं किया जाता है और मैं परसों से अनशन पर बैठना चाहती हूँ। क्या नाम? कुमारी दया रानी। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।